दोस्तों वेलकम बैक टू आर एस आर फाइनेंस। तो दोस्तों आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर एस आर फाइनेंस पे। दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन और रिक्वेस्ट हमेशा ही रहता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। गाइस जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो NBFC RBI रजिस्टर्ड कंपनी है। रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये प्रूफ शेयर किया है ग्रुप में, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ भाई इनको जो लोन अमाउंट ऑफर हुआ है वो हुआ है 17,000 रुपये का, और यहाँ पर 17,000 रुपये के लोन में प्रोसेसिंग फीस 18% GST मतलब 4,012 रुपये और एग्रीमेंट फीस 300 रुपये, ये अमाउंट डिडक्ट होकर आपके बाकी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। समथिंग यहाँ पे डिस्पर्सिंग अमाउंट जो है 12,688 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे अगर आपको भी 17,000 रुपये का अप्रूवल मिलता है। अब बात कर लेते हैं भाई EMI और टर्नओवर के बारे में। भाई EMI की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3,598 रुपये की EMI है और 6 मंथ का यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाता है, और हर मंथ 5 तारीख मतलब 5 तारीख को हर मंथ आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट ये होगा। मतलब नास आपको करना पड़ेगा, NSAC आपको मनी डेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये NBFC RBI रजिस्टर्ड कंपनी है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ समझने वाली कोशिश वाली बात करिए, 17,000 रुपये के लोन में 12,000 रुपये अकाउंट में आएंगे और यहाँ पर कितना ज़्यादा लॉस होगा आपका। लेकिन आप फिर भी लेना चाहते हो तो ट्रायल कर सकते हो, लेकिन कुछ सिटियों में ये वर्क है, ठीक है। दिल्ली NCR में ये लोन नहीं प्रोवाइड कर रही है, और फिलहाल तो मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये कौन कौन से सिटी में वर्क कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन एप्लीकेशन सेंशन अमाउंट, एक मैसेज भी आया हुआ है, बट मैं आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन ही शो करता हूँ। एप्लीकेशन नाम है IVL इंस्टेंट पर्सनल लोन। यहाँ पर आपको जो भी लोन अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा EMI के थ्रू, 10,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में ही आपको लोन मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ सिटी में ही वो वर्क कर रही है, लाइक दिल्ली NCR में नहीं है। दिल्ली NCR में मैंने अप्लाई किया था बट दिल्ली NCR में ये वर्किंग नहीं है। पता नहीं, अभी मैं भी आपको ढंग से बता नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चला कि कौन कौन से सिटी में ये वर्किंग में है, क्योंकि काफ़ी लोग बता रहे हैं कि UP में वर्किंग में है, आसाम में भी वर्किंग में है, लेकिन अब पता नहीं कितना सच है ये कितना झूठ है, मैं अभी नहीं जानता हूँ। लेकिन आप लोग जब अप्लाई करोगे, जब अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे, आधार कार्ड डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी सिटी में वर्क कर रही है। आप ट्राई करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट ट्राई कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है।